आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दिखाऊंगी। हमारे घर में बहुत ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं हमारे किचन में जो बहुत यूजफुल होते हैं, उनको साफ रखना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको माइक्रोवेव कैसे साफ किया जाता है बहुत आसानी से, इसको हमें सर्विस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हम अपने आप ही घर में बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। वैसे ही ज्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं इसको फ्रीक्वेंटली साफ करती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ, तो उतना गंदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको कैसे साफ करना है। अभी देख सकते हैं कि ये सब गंदा है, यहाँ पे कुछ कुछ निशान है इधर साइड में, सबसे ज्यादा तो ऊपर में रहते हैं जो हमें दिखते नहीं है। अगर आपको दिख रहे हो तो आप देख सकते हैं ऊपर सबसे ज्यादा गंदा रहता है। आमतौर पर हम इधर से देखते हैं, इधर का साफ कर लेते हैं, ये साफ कर लेंगे, लेकिन ऊपर का साफ नहीं हो पाता है। देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से साफ करना है। मैंने एक माइक्रोसेफ बोल ले लिया है, मैंने एक नींबू ले लिया है, मैं इसको डाल देती हूँ, और मैंने 2 कप पानी लिया है। अब इसको मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे 1 मिनट का है, इसको मैं पांच मिनट के लिए इसको चलने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे साफ करना है। 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल कर देख लेते हैं। उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, 2 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, गर्म होगा, बहुत ध्यान से आपको करना होगा। मैं पहले ये बता देती हूँ आपको कि जो गर्म पानी इसमें हमने रखा था उससे क्या होता है, उससे जो स्टीम बनती है, इसमें जो पोर्स हैं, इसमें जो चिपका हुआ है, वो से उसकी स्टीम से उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे ये थोड़ा सा नम हो जाएगा और ये अच्छे से साफ हो जाएगा। और अगर आपका बहुत ज्यादा हार्ड स्टेन्स हो, बहुत ज्यादा गंदा हो, तो आप उसको 7-8 मिनट चला लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा माइक्रोवेव को, उसके बाद उसको खोल के दोबारा से उसको साफ कर लीजिएगा। और यही प्रोसेस आप 2-3 दिन कर सकते हैं, तो आपके जो बहुत हार्ड स्टेन्स हैं, निशान है, वो चले जाएंगे। लगातार 2 से 3 दिन आप करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आपको सेम करना है। तो अब मैं आप उसको साफ कर लेती हूँ, पहले मैं इसको हटा लेती हूँ। इसको आप नॉर्मली जैसे आप बर्तन धोते हैं वैसे ही आप डिश वॉशर से आप उसको धो लीजिएगा। मैंने एक पेपर टॉवल ले लिया है, इससे मैं साफ करूंगी। उसको भी साफ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसी पानी में थोड़ा सा इसको डिप कर लेती हूँ। मैंने दूसरा पेपर टॉवल ले लिया है, वो फेंक दिया है। अब फिर आप कोई कॉटन का पतला सा कपड़ा भी ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं पानी का काम कर रही हूँ इसमें, इसलिए मैंने मेन स्विच से ऑफ कर दिया है। आप इस तरह से मत करिएगा, पहले मेन स्विच ऑफ कर दिएगा, उसके बाद आप साफ करिएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा गंदा है तो आप उसी में थोड़ा सा डिश वॉशर मिला लीजिएगा थोड़ा सा, और साफ कर लीजिएगा। आप उसमें वेनेगर भी मिला सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गंदा है आप उसमें वेनेगर नींबू दोनों ही ऐड कर लें, उसमें निचोड़ लें नींबू, और वेनेगर 1 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, उससे आपका बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जो बहुत कड़े दाग हुए हैं वो आराम से साफ हो जाएंगे। मैंने एक कपड़ा ले लिया है, पतला कोई आप कपड़ा ले लीजिएगा, बहुत जो सॉफ्ट हो वो लीजिएगा। हार्ड कपड़ा होगा या कुछ इस तरह का होगा, कोर्स लिख होगा तो उससे निशान पड़ सकते हैं, इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो इसलिए कोई स्क्रबर मत यूज करिएगा, उससे भी इसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारा साफ नहीं हुआ, इस तरह के कमेंट भी आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके कितने हार्ड स्टेन्स हैं, कितने टफ स्टेन्स हैं, और बहुत पुराने हैं, आपने कभी उसको साफ ही नहीं किया, तो उसको साफ करने में टाइम तो उतना लगेगा ही। तो वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार रोज रोज करेंगे तो वो साफ हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मेरा बहुत हद तक साफ भी हो गया है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी इसको साफ करने में भी फिर उतना ही टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको उतना गंदा होने ही मत दीजिए कि आपको उतनी मेहनत लगे, बहुत टाइम लग जाए, फिर साफ भी ना हो। तार भी मेन स्विच से निकाल लीजिएगा, मेन बोर्ड से, और ऊपर भी बहुत ध्यान से हल्के हल्के हाथों से ऊपर का साफ करिएगा। आप देख सकते हैं कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पेपर टॉवल से पहले साफ कर लिया था, अब बस हल्का सा गीला करके मैंने इसको इसी तरह से साफ किया है। जो दरवाज़ा है उसको भी कर लीजिएगा,
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैं पहले ही आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब आप पानी रखें तो 2-2.5 कप पानी रखिएगा, बड़ा बोल रखिएगा और उसमें नींबू डाल दीजिएगा। अगर आपका माइक्रोवेव काफी गंदा है, बहुत उसमें टफ स्टेन्स हैं, तो उसमें आप विनेगर भी डाल दिएगा 1 चम्मच बड़ा, और नींबू भी निचोड़ दिएगा और नींबू के उसके स्लाइसेस भी उसमें रख दिएगा, और उसको 5 से 6 मिनट चलाइएगा, और उसके बाद उसको आप साफ करिएगा। और जब आप कपड़े से साफ करें तो उसमें थोड़ा सा डिश वॉशर भी डाल दिएगा, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और बहुत हल्के हाथ से करिएगा, अगर आप आराम से नहीं करेंगे खुद की हो सकता है कोई पार्ट्स खराब भी हो जाएं। तो अब मेरा ये बिल्कुल साफ हो गया है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, आधा घंटा मैं इसको खुला ही छोड़ दूंगी। जो भी गीलापन होगा वो सूख जाएगा, जो भी नमी होगी इसमें मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा, उसके बाद इसको हम ऑपरेट करेंगे। मैं इसकी ट्रेस पे लगा देती हूँ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसको मैंने नॉर्मल डिश वॉशर से धोया है, उसके बाद इसको आप सुखा लीजिएगा, बिल्कुल सूख जाए तब आप इसको रखिएगा। ऊपर से भी आप देख लीजिए बिल्कुल साफ है, साइड से भी देख लीजिए। तो आप इसी तरह से साफ करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपको माइक्रोवेव बहुत अच्छे से कई साल तक चल जाएगा, खराब नहीं होगा, और फिर वो देखने में भी गंदा नहीं लगेगा। उनको हमारा साफ रखना हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, उनको मेंटेन करके रखना। मैंने आपको पूरा माइक्रोवेव साफ करके दिखा दिया, आप इसी तरह बहुत मुलायम कपड़े से उसको बाहर से भी साफ कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। आपको मेरे चैनल पर बहुत तरह की रेसिपीज मिलेंगी, वेज नॉन वेज डेजर्ट वेट लॉस रेसिपी सब तरह की आपको मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ या इसी तरह की टिप के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैला दस्तरखान।